हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। NCISM ऑफिशियल की तरफ से एक नोटिस रिलीज की गई है, उसी नोटिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है 30 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर दिया गया क्लेरिफिकेशन ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो वाइड जो नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो जो NCISM एक्ट जो आई थी, एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट 2023 के 6 पॉइंट में बताया गया था कि नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा सारे कोर्सेज के लिए, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और बाकी जो है सारे कोर्सेज के लिए आपको देना होगा। यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो लाइसेंस लेने के लिए, जैसे आपको स्टेट रजिस्टर्ड हो चाहे नेशनल रजिस्टर में रजिस्टर्ड कराने के लिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए जो आपको ये एग्जाम पास करना होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने सिलेबस का कुछ हिंट दे दिया है। एग्जामिनेशन शैल बी प्रोमोलव बेस्ट टू टेस्ट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, यानी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उससे आपके सिलेबस रहेंगे। मेडिकल इथिक्स होगी और जो मेडिको लीगल केस जो है, जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी हो सकता है या मेडिकल लीगल केसेस में क्या क्या टॉपिक रहेगा वो डिटेल सिलेबस आएगी इसके वेबसाइट पे। तो ये रहेगा आपके जो रिस्पेक्टिव जो सिलेबस है, चाहे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, शिवा रुकवा है, उसके सिलेबस के बिहा पर एक क्लिनिकल सब्जेक्ट तो रहेगा ही, एकदम फिक्स है। दूसरा आपका मेडिको लीगल और मेडिकल इथिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पर बताया गया वो बच्चे जो इंटर्न्स जो है या फिर जो BMS कंप्लीट कर चुके हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं, 270 दिन का इंटर्नशिप जिन्होंने कंप्लीट कर चुका है नेक्स्ट एग्जाम के एप्लीकेशन सबमिट के लास्ट डेट से पहले तक का, उनको जो है वो अप्लीकेबल होंगे। जो फॉरेन नेशनल जो है मेडिकल क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज किया 36 एक्ट एज ए NCISM रिसीव्ड है क्यूरी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, जो है फर्दर क्लेरिफाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया नेशनल एग्जिट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव कमेंस्ड देयर इंटर्नशिप ऑन आफ्टर 20 दिसंबर, ठीक है, 2023। वो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अपना इंटर्नशिप जो है, जिनका इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के बाद शुरू हुआ है, उन सबको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ एडमिशंस, आपका किस साल में एडमिशन हुआ है, आप किस बैच के बच्चे हैं, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने एकदम एक जो डेट ऑफ द फिक्स कर दिया कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जिन बच्चों का इंटर्नशिप शुरू हुआ है उन सबको ये एग्जाम देना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये जो है नोटिस रिलीज की गई है, आपका ये सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट थी आप सबके लिए। ठीक है, दूसरी तरफ जो हम लोग कोर्ट में जो डबल बेंच में पिटीशन फाइल करने वाले थे उस पर हमारी काम चल रही है। ठीक है, कोई भी अपडेट आएगी तो आप सबको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।